एक समय एक सुतीक्ष्ण नाम के एक ब्राह्मण मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना, इस सुतीक्ष्ण नाम का ब्राह्मण संदेह युक्त होकर अगस्त ऋषि के पास में पहुंचा। अगस्त महर्षि को प्रणाम करके पूछा। सुतीक्ष्ण ने कहा कि हे महर्षे, देवताओं के देवता, दया के सागर, संसार भर को आनंद देने वाले भगवान श्री राम अपने भक्तों के संताप को दूर करने वाले हैं। सर्वज्ञ संपूर्ण मंत्र शास्त्रों के प्रकाशक, वेद वेदांग मंत्र तंत्र यंत्र के रूप में स्वरूप को भलीभांति जानने वाले, हे महादेव मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपके अतिरिक्त मेरा कोई रक्षक नहीं है। हे कमल नयन, तुमसे मैंने रामायण सुनी है, मेरा जन्म सफल हो गया। हे भगवान, आप हमारे गुरुदेव हैं, आप ही मेरे भगवान हैं, आप कृपा करके चित्रकूट धाम के महात्म्य को हमको सुनाइए। अगस्त जी प्रसन्न हो गए, कहा बेटा सुतीक्ष्ण, निश्चित ही तुम बड़े भाग्यशाली हो जो सीताराम जी के नित्य विहार स्थल के संबंध में तुम पूछ रहे हो। अगस्त उवाच, चित्रकूटम महातीर्थम परम निर्वाण कारकम तीर्थानम परमम तीर्थम मंगलानांच मंगलम। चित्रकूट महान तीर्थ है, परम शांति देने वाला है, परम कल्याण करने वाला है। संपूर्ण पीठों में ये श्रेष्ठ पीठ है, पुण्य पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ पर्वत है, और धर्म की कामना करने वालों के मन में धर्म की भावना को उत्पन्न करने वाला है, संपूर्ण मनोरथों की पूर्ति करने वाला है, याचकों के मनोरथों को पूर्ण करने वाला है, और कामिनाम कामदातारम मुमुक्षूनाम च मोक्षदम, जो संसार चक्र से छूटना चाहते हैं उनको संसार चक्र से छूटने का सौभाग्य भी प्रदान कर देता है, वरदान प्रदान कर देता है। आज भी चित्रकूट में ऋषियों का समूह तपस्या कर रहा है। यहां लिखा है अगस्त जी महाराज कहते हजारों की संख्या में ऋषि आज भी चित्रकूट में तपस्या कर रहे हैं, और आज भी चित्रकूट धाम में दिव्य ऋषियों की अनुभूति तपस्या करने वालों को हो जाती है। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज को चित्रकूट में साक्षात महर्षि अत्रि का दर्शन हुआ था। साक्षात महर्षि अत्रि का दर्शन महाराज जी को चित्रकूट में हुआ था। महाराज जी यहाँ खाक चौक में महंत हो गए थे, लेकिन वो भजन में भाव अधिक था, इसलिए सब छोड़ छाड़ करके अपने गुरु भाई थे महाराज जी के सिया रामदास जी महाराज अधिकारी थे, उनको सब सेवा उस करते ही थे, सेवा उनके सहारे छोड़ के महाराज जी चले गए। और यहाँ एक ऐसी स्थिति आ गई कि ठाकुर जी को भोग लगने की भी समस्या आ गई, और महाराज जी भजन कर रहे थे चित्रकूट में। ये बात सन 38 की है, 1938 की बात है, महाराज जी जैसा बताते थे। तो महाराज जी कहते कि भजन तो बहुत बढ़िया चल रहा था, पर यहां जैसे ही समस्या आई कि लीला शुरू हो गई। प्रमोद वन में बैठ के भजन कर रहे थे, तो रात्रि को ध्यान में जैसे ही बैठे कि बहुत तेज प्रकाश दिखाई पड़ा, आंखें चौंधिया गईं, आंख ठीक से खोल नहीं पाए। यहाँ किसी महापुरुष ने स्पर्श किया और स्पर्श करके कहा, यहाँ तुम्हारा भजन पूर्ण हो गया, तुम्हें सिद्धि वृंदावन में मिलेगी, जाओ वृंदावन चले जाओ, गुरुस्थान चले जाओ। थोड़ी देर महाराज जी सावधान हो गए, फिर भजन में बैठे ध्यान में, फिर अर्धरात्रि को फिर भी महापुरुष आ गए। बोले आज हो क्या रहा है, आज ध्यान नहीं लग रहा है, कोई ये कौन सिद्ध पीछे लग गए जो भजन में नहीं बैठने देते हैं, जैसे ध्यान लगता है तो आ जाते हैं। प्रातःकाल सवेरे 4 बजे तक महाराज ने बैठने का प्रयास किया, बार बार वही हो, 4 बजे फिर बैठे तो फिर भी महापुरुष सामने आ गए। अब की बार महाराज जी ने स्पष्ट दर्शन किया उनका। महाराज जी कहते ऊंचे पूरे लंबे थे, गौर वर्ण था, इकहरा शरीर था, वलकल वस्त्र थे, और जटाएं थीं, दाढ़ी थी,
हाथ में कमंडल था, बड़ा दिव्य स्वरूप था, चंद्रमा जैसी कांति चेहरे से प्रकट हो रही थी। उन्होंने कहा, बच्चा तुम मुझे पहचानते नहीं हो, मैं चित्रकूट का अधिष्ठात्री ऋषि महर्षि अत्रि हूँ। तुम्हारा जो गुरुस्थान है वहाँ तुम्हारे गुरु भाई बड़े दुखी हैं, भगवान की राग भोग की सेवा की व्यवस्था में भी बहुत कठिनाई हो रही है, तुम जाकर वहाँ सेवा करो, वहीं तुम्हें सब कुछ अनुभूति होगी, जाओ। महाराज जी कहते, बस फिर हम वहाँ से चले। तो महाराज जी को हमने देखा, आरती स्तुति के बाद थोड़ी देर महाराज जी ऐसे बैठते थे, पाँच दो तीन चार मिनट देखा होगा, ऐसे आँख नहीं उठ खोलते थे और ऐसे 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 हाथ जोड़ते थे, जैसे उनके सामने कोई आ रहे हो वो हाथ जोड़ रहे हो। तो एक बार एकांत में मैंने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी आप आरती की स्तुति के बाद किसको हाथ जोड़ते हो? तो महाराज जी ने कहा, क्या बतावें, हर एक व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता है, पर इसी वृंदावन में नारद जी, सनकादिक भगवान, सुखदेव जी सब विचरण कर रहे हैं, इन्हीं आँखों से दर्शन होता है। फिर महाराज जी ने बताया कि अत्रि महर्षि ने कहा था तुम्हें सब सिद्धि वृंदावन में होगी। बोले, यहाँ वृंदावन में रहकर उन महापुरुष की वाणी सफल भई, मुझे यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन महापुरुषों का होता है, तो आरती में जो जो ऋषि मुनि महात्मा आते हैं मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। ऐसे कहते, दंडो दंडो दंडो, ऐसे बोलते थे। अब ये बात सभा में कहने की नहीं है, लेकिन इस प्रकार के भी महात्मा थे। तो चित्रकूट में आज भी महात्माओं की अनुभूति, सिद्ध संतों की अनुभूति होती है। आज भी जो नाम जपने वाले हैं उनकी कहीं कोई साधन में कमी होती है तो सिद्ध पुरुष प्रत्यक्ष नहीं तो स्वप्न में आकर मार्गदर्शन कर दिया करते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो विक्षेप करने भी आते हैं। दोनों तरह के लोग हैं, तो हरि गुरु संतों की कृपा ही कवच बनकर के रक्षा करती है। ऐसा चित्रकूट धाम अत्यंत पवित्र है, हजारों ऋषि मुनि महात्मा आज भी तपस्या करते हैं। कोई सात रात्रि का व्रत कर रहा है तो कोई दस रात्रि का व्रत कर रहा है, तो कोई बारह दिन का व्रत कर रहा है, तो कोई एक मास का व्रत कर रहा है, यहाँ वर्णन है महाराज। कोई मूल मात्र का आहार करता है तो कोई फलाहार करता है, तो कोई वायु का सेवन करता है, कोई दही का ही सेवन, दधि भोजन तत्परा, गोमूत्र पान निरता, शाक भोजन तत्परा। कुछ ऋषि ऐसे हैं जो केवल गोमूत्र पी करके ही भजन करते हैं, कोई शाक खा करके रहते हैं, कोई चांद्रायण व्रत करके रहते हैं, इस तरह से कोई सूखे पत्ते भक्षणम शुष्क पर्णानाम प्रकुरवंती मुनीश्वरा, इस तरह से कठोर कठोर तपस्याएं करने वाले ऋषि मुनि महात्मा यहाँ विराजते हैं। ऐसा पवित्र यह चित्रकूट धाम है, बड़ी सुंदर पवित्र शिलाएं हैं। यहाँ जो दीन दुखी अंध कृपणों को दान देता है वह संपूर्ण सद्गुणों से युक्त हो जाता है। स्वधाकार वसटकार स्वाहाकार नमस्कार यज्ञ पूजा शास्त्र अध्ययन जो कुछ पवित्र कर्म चित्रकूट क्षेत्र में किए जाते हैं वे अक्षय हो जाते हैं। और यहाँ तक लिखा है, क्या लिखा है, बोले क्षेत्रे यस्मिन पुण्यतमे ते गच्छन्ति परांगतिम चित्रकूटम गिरिम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इस प्रकार से चित्रकूट का दर्शन करके फिर जीव का पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसी चित्रकूट की दिव्य महिमा है। Yeah.